हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है निकोलस मादुरो वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने 28 जुलाई 2024 को निवर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न किस तरह से जनरेट हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो प्रश्न इस तरह से जनरेट हो सकता है कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में किसने जीत प्राप्त की है, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, निकोलस मादुरो। मादुरो को इस चुनाव में 51% मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी एडमंडो गोंजालेज को 44% वोट मिले। यहां से ये बात तो क्लियर हो रही है कि निकोलस मादुरो ने किसे पराजित किया, तो निकोलस मादुरो ने जो है वो एडमंडो गोंजालेज को पराजित किया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला जो है वो निकोलस मादुरो जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। निकोलस मादुरो जो है पहली बार वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद 2018 में राष्ट्रपति बने और अब 2024 में राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया है। मादुरो जो है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला पीएसयूवी के नेता हैं। अब यहां पर प्रश्न किस तरह से फ्रेम होता है कि निकोलस मादुरो का संबंध किस राजनीतिक दल से है, तो निकोलस मादुरो का संबंध यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो वेनेजुएला में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अर्थात अब वह 2031 तक इस पद पर बने रहेंगे। वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है जहां विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजल फॉल्स स्थित है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, तो वेनेजुएला की कैपिटल कराकास है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है कि वियतनाम की राजधानी क्या है, तो वहां उत्तर हमारा क्या होता, कराकास। वियतनाम की मुद्रा क्या है, वो वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, तो वेनेजुएला की मुद्रा जो है वो वेनेजुएला बोलिवर है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।